हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस होते क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक के प्राइसेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि आपने सुना होगा डिविडेंड हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, बोनस इशू हुआ है, बायबैक हुआ, ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शंस और इनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है स्टॉक के प्राइसेस पर, उस पर बात करते हैं। तो ये पांच कॉर्पोरेट एक्शन जो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा, आप इनको अच्छे से समझिए डिटेल से, किस तरीके से इनका इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से ये कंपनी के या स्टॉक के फाइनेंशियल हेल्थ को बताते हैं इस छोटे से वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप इनका देखेंगे कि भैया जो कंपनी यानी कि स्टॉक जो इनिशिएट करता है, मतलब अपने एक्शंस को इनिशिएट करता है किसी भी तरीके से, वो एक अंडरस्टैंडिंग बताता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो किस तरीके की है, क्या हमें उस स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये कॉर्पोरेट एक्शन से बहुत हद तक हमें क्लियर हो जाती है पिक्चर। तो आप देखिए, बात करते हैं डिविडेंड से। अब डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे डिविडेंड क्या होता है। कंपनी जो है टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करती है डिविडेंड के टर्म्स में, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को शेयर करती है, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 5 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड दे दिया, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे दिया। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट का रेशियो होता है, जो परसेंटेज आप देखते हो, वो जनरली फेस वैल्यू के ऊपर होती है। सपोज 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो कंपनी ने कहा कि उसने 10 रुपये का ही डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ने कहा भैया हमने 100% डिविडेंड पे आउट था। तो इस तरीके से डिविडेंड पे होता है। तो मतलब अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है और डिविडेंड इस तरीके से अगर पे होता है, जो डिविडेंड अगर आप देखोगे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बेस पे कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है और एक लिमिट का ही वो डिविडेंड दे पाती है। मतलब उसको इस हिसाब से इतना प्रॉफिट होना चाहिए तभी वो डिविडेंड, इस तरीके के रूल हैं कि इतना कंपनी के पास एक्सेस कैश अवेलेबल है तभी वो डिविडेंड पे कर पाएगी। तो आप ये देखिए, मतलब कि अच्छा डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, तो मतलब वो नहीं, एक टाइम का नहीं, आप एवरेज लेके देखिए, पिछले 5 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से अगर रेगुलर कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, तो मतलब अच्छी एक पकड़ बनाई है उसने अपने शेयर होल्डिंग के बीच में, तो ये डिविडेंड का वो होता है। अगर लेकिन आप डिविडेंड की प्रोसेस किस तरीके से चलती है वो देखिए, डिविडेंड एक टाइम पर डिक्लेयर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। और फिर डिविडेंड की एक एक्स डिविडेंड डेट आती है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है उससे पहले आपको स्टॉक बाय करना होता है, तभी आप रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम रजिस्टर में होगा और आपको डिविडेंड मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट तो आपको पता है, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है, मतलब उस दिन पूरा दिन आपको रजिस्टर में आपका नाम है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड पे आउट डेट वो डेट होती है जब आपको डिविडेंड पे होता है, उसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट डेट। कभी आप कहते हो कि रिकॉर्ड डेट चलेगी, मुझे डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड मिलेगा आपको डिविडेंड पे आउट डेट पे। तो ये है। और एक होता है एक्स डिविडेंड से पहले जो शेयर्स, उसे कम डिविडेंड भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं द शेयर्स आर सेट टू बी कम डिविडेंड टिल एक्स डिविडेंड डेट, एक्स डिविडेंड डेट तक उनको कम डिविडेंड डेट भी कहा जाता है। तो आप अगर देखोगे कि जनरली जब स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट आती है तो एक्स डिविडेंड डेट से पहले वो बढ़ता है कि भैया डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एक्स डिविडेंड के डेट के दिन स्टॉक गिर जाता है। कितना गिरता है वो ये देखिए, सपोज 100 रुपये का स्टॉक था, 5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है, तो आपका ITC का स्टॉक था, देखिए 100 रुपये का स्टॉक था, 5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है, तो आपका जो वो स्टॉक है वो एक्स डिविडेंड के दिन 95 रुपये का आपको मिलने लग जाएगा। सुबह जो ओपन होगा तो 95 रुपये का ओपन होगा, क्योंकि वो 5 रुपये उसी वैल्यू में से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, तो डिविडेंड अच्छा माना जाता है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ उसकी कंपनी की अच्छी है जो रेगुलर डिविडेंड पे करे। एक एवरेज डिविडेंड देखिए आप पिछले बहुत टाइम से। और डिविडेंड आपने सुना होगा फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कंपनी बीच में भी डिविडेंड देती है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर देती है उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अब बात करते हैं बोनस की। जो दूसरा हमारा मेन चीज़ आती है वह आती है बोनस की, कि बोनस क्या होता है। आपने सुना होगा 1:1 का बोनस, 2:1 का बोनस, 3:1 का बोनस, ये बोनस के रेशियोज होते हैं। क्या कहते हैं इनको, रेशियोज। 1:1 का बोनस मतलब हर एक शेयर पे एक शेयर का बोनस, 2:1 का बोनस का मतलब हर एक शेयर पे दो। जो पीछे वाला टर्म है, ये जो पीछे वाला टर्म है, इसका मतलब इतने शेयर हैं और आगे वाला टर्म इतने बोनस मिलेंगे। एक शेयर पर दो शेयर का बोनस टोटल कितने हो जाएंगे, 3। 3:1, एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इस तरीके से होता है। अगर आप इसका उल्टा कर दें, उल्टा मतलब 1:2 कर दें, तो दो शेयर पे एक का बोनस, 1:3 कर दें, 3 शेयर पे एक शेयर का बोनस, इस तरीके से बोनस आपको दिया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और अब प्राइस किस तरीके से एडजस्ट होता है बोनस पे, ये देखिए। प्राइस अगर आप देखोगे, जैसे 1:1 का बोनस है, 100 शेयर आपके पास पहले से हैं, ठीक है,
100 शेयर आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर बोनस 100 है आपके पास, और शेयर बिफोर बोनस इशू शेयर का प्राइस जो है 75 का है। अब देखिए वैल्यू कितनी होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की, 7500 होगी, लेकिन बोनस के बाद जैसे 1:1 का बोनस है तो 100 पे 100 और मिल गए तो टोटल शेयर कितने हो गए, 200 हो गए, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा आपका, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 7500 बटा 200 कर दो, डिवाइड कर दो 200 से, तो इतना उसका प्राइस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी। अगर आप 1:1 का बोनस है तो देखिए 30 शेयर आपके पास हैं 3:1 में, टोटल शेयर प्राइस 550 है बिफोर बोनस, तो आप ये देखिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 16,500 होगी। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे आपके, क्योंकि चौगुना हो गया ये, एक शेयर से 3 बोनस में मिले टोटल 4 हो गए, तो 120 हो गए। अब प्राइस ये टोटल जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इससे डिवाइड कर दो तो आपकी 137 हो जाएगी, और लेकिन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी। तो बोनस के दिन जो एक्स बोनस डेट जब आती है तो उस दिन ये प्राइस एडजस्ट हो जाता है, मतलब 100 रुपये का शेयर आपको 37 रुपये में मिलने लग जाएगा अगर 1:1 का बोनस है एक्स बोनस डेट के दिन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट, ये बोनस में मेन डेट्स आती हैं। आगे बात करते हैं हम स्टॉक के स्प्लिट की, जो मेन कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक के स्प्लिट वो क्या होता है। अगर आप देखते हो कि बोनस में स्टॉक की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन स्प्लिट में स्टॉक की फेस वैल्यू चेंज होता आती है। सपोज कीजिए 10 रुपये की फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू आपने जो स्प्लिट दिया 1:2 का दिया, मतलब एक स्टॉक दो में बट रहा है, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 5 हो जाएगी। अब देखिए 5 हो जाएगी फेस वैल्यू, और अब स्प्लिट के बाद वो 2 शेयर्स हो जाएंगे, 5 हो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी ही रहेगी। सपोज कीजिए 1:2 का स्प्लिट था और फेस वैल्यू पहले 10 थी और 100 आपके पास शेयर्स पहले थे, अब शेयर आफ्टर जो शेयर प्राइस जैसे 900 है तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 90,000 है, न्यू फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपये होगी, मतलब टूट गया ये दो टुकड़ों में, 200 नंबर ऑफ शेयर हो गए और शेयर प्राइस जो है वो भी हाफ हो गया एक्सप्लिट डेट के दिन, और टोटल कितना हो गया 90,000 आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी। आप किसी तरीके से भी समझिए उसको। बोनस और स्प्लिट में जो ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में उस स्टॉक के, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही रहती है। बस जो आपको मतलब जो फ़ायदा दिख रहा होता है वो ये होता है कि स्प्लिट की वजह से या फिर बोनस की वजह से जो नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते हैं उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है और ज़्यादा ट्रेडिंग हो सकती है, ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, तो उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो लोगों को मिलने भी लग जाएगा, तो इसलिए प्राइस जो है इंक्रीज होता है, ये फ़ायदा होता है। और अदरवाइज आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहती है, अगर आपको चेंज दिखेगा नहीं तो वही रहेगी। बस इसको समझिए, क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए बोनस एंड स्प्लिट का डिफरेंस। अब बात करते हैं हम राइट इशू की बात। राइट इशू जनरली आपने देखा होगा ये चौथे नंबर का, आप इसको मानिए जो हमारा कॉर्पोरेट एक्शन है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि जब किसी कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज करनी होती है, क्या करनी होती है, फ्रेश कैपिटल रेज करनी होती है, तो कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसे उठाने लग जाती है, पब्लिक में जाने से ज़्यादा अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं से पैसे उठाने लग जाते हैं। किस तरीके से, एक बार राइट इशू करके। फॉर एग्जांपल राइट इशू किया उसने 1:4, मतलब जिस शेयर होल्डर के पास 4 शेयर हैं वो एक शेयर और खरीद सकता है। और जो आपने देखिए जो भी कभी भी हो राइट इशू होता है, तो सपोज 100 रुपये का शेयर था तो हमेशा जब उसको एक शेयर और राइट इशू के टर्म पर मिल रहा है जो भी मिलता है, तो वो 100 का नहीं होता, वो जनरली उस प्राइस से कम ही होता है, या 80 होगा, 85 होगा, जो भी होगा, लेकिन 100 से कम ही होगा, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसका फ़ायदा हो जाए और कंपनी पर उनका भरोसा कायम रहे। हाँ भाई इस बार अभी तक मेरे पास 100-100 रुपये के 10 शेयर थे, ठीक है, अब कंपनी ने कहा आप 2 शेयर और खरीद सकते हो और आपका रेट होगा 70 रुपये में, आप 2 शेयर खरीद सकते हो। अब मेरे पास क्या हुआ, 140 रुपये के 2 शेयर और आ गए। अब मैंने 100-100 रुपये के 10 शेयर थे, मेरे पास 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, अब मैंने 2 शेयर 140 के ले लिए। अब खुद देखिए मेरे को 30-60 रुपये का 2 शेयर में फ़ायदा हुआ। अब ये एक बेसिक मैं थोड़ा सा कम लेके आपको बता रहा हूँ, तो यही राइट इशू होता है कि आपको कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स देती है, इसको क्या कहते हैं, राइट इशू। बहुत बढ़िया, आपको ये 4 जो है कॉर्पोरेट एक्शन समझ में आ गए होंगे। टॉप का कॉर्पोरेट एक्शन जो हमारा एक और आता है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स अगर आप देखोगे तो क्या फ़ायदा होता है इससे, बायबैक होता क्या है, बायबैक से फ़ायदा क्या होगा। पिछले कुछ टर्म महीनों में आपने देखा होगा भैया इन्फोसिस बायबैक कर रही है, TCS बायबैक कर रही है, L&T बायबैक कर रही है, बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड बोनस तो अनाउंस करती करते हैं, बायबैक भी बहुत सारी कंपनीज करने लग गई है। तो क्या फ़ायदा होता है बायबैक, बायबैक मीन्स जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो कंपनी पर उनको भरोसा है, तो इसीलिए वो अपने शेयर
शेयर्स को वापस खरीदते हैं, कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदते हैं, ये एक वो है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर बेसिस, मतलब सपोज कीजिए कंपनी के जो है 10,000 शेयर्स मार्केट में पड़े थे, ठीक है, और अब वो उठा लिए, वापस ले लिए गए हैं, बायबैक कर लिया गया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं उसमें, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है वो बढ़ जाता है। आप देखिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय पर शेयर, मींस कितनी अर्निंग थी डिवाइडेड बाय पर शेयर, तो वही चीज़ है, वो बढ़ेगा डेफिनेटली। तो एक कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग मानी जाती है जब बायबैक होते हो जाता है उसके बाद, तो कंसोलिडेट, और दूसरा जो लोग उसको बायबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो बायबैक कर रहे हैं तो वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं कंपनी पर, और बहुत बढ़िया, और कोई और कंपनी ताकि टेक ओवर नहीं कर पाए। जब होता है ना कि भैया 51% स्टेक होना चाहिए, क्या 50 से ऊपर होना चाहिए, तो उसका रुतबा होता है कंपनी पे, ताकि कोई और कंपनी टेक ओवर नहीं कर पाए। और अगर आप देखोगे कि उनका कॉन्फिडेंस भी, मतलब ये बायबैक ये जताता है कि प्रोमोटर्स का अपनी कंपनी पे जो है भरोसा बहुत है। अगर प्रोमोटर्स को ही भरोसा नहीं होगा तो बाकी शेयर होल्डर्स को किस तरीके से होता है, तो इस भरोसे को जताने के लिए भी बायबैक किया जाता है। और कभी क्या होता है कि मार्केट गिर रही होती है तो शेयर का प्राइस भी गिर रहा होता है, तब भी बायबैक अनाउंस कर दिया जाता है ताकि उस गिरावट को रोका जाए और लोगों को जताए कि कंपनी को, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है, तभी वो बायबैक कर रहे हैं इतने लो प्राइस पे, ये भी होता है आप देखिए। और अगर हम देखें, अभी हमने 5 कॉर्पोरेट एक्शन जो है इसमें डिस्कस किए। सबसे पहला कॉर्पोरेट एक्शन हमारे पास जो था डिविडेंड था, बोनस, स्प्लिट, राइट इशू, और हमारे पास जो लास्ट था बायबैक। तो इन 5 में मुझे उम्मीद लगी कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि 5 क्या होता है और किस तरीके से इसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या होता है, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और अब देखिए समरी देख लेते हैं। अगर हम देखें कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट होता है स्टॉक प्राइस पे डायरेक्टली, डिविडेंड मतलब कि शेयर होल्डर को, डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड किस तरीके से किया जाए, तो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, और एक्स डिविडेंड डेट पर जो है स्टॉक गिर जाता है जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके अकॉर्डिंगली। बोनस इशू क्या होता है, बोनस भी एक टाइप का डिविडेंड है जो कि स्टॉक के टर्म में दिया जाता है, सपोज 1:1 का बोनस है, मतलब एक स्टॉक आपको और दे दिया गया तो इस तरीके से, लेकिन उस बोनस में भी एडिशनल शेयर तो दिया जाता है लेकिन प्राइस जो है एडजस्ट हो जाता है। स्प्लिट में भी फेस वैल्यू बट जाती है टुकड़ों में, और स्टॉक के एक स्टॉक के दो टुकड़े जिस तरीके से स्प्लिट डिसाइड हुआ वो हो जाता है, लेकिन उसमें भी प्राइस आपका एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंगली, तो वैल्यू सेम रहती है। राइट इशू क्या होता है, जब कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज करनी होती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सब्सक्राइब करने के लिए कहती है स्टॉक, और सस्ते में कि भी आप सस्ते में ले लो कुछ और स्टॉक, तो इस तरीके से वो और कैपिटल रेज कर पाते हैं। और बायबैक मतलब कि सिग्नल देता है कि कंपनी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है और प्रोमोटर्स उसको बाय करना चाहते हैं, प्रोमोटर्स को भरोसा जताता है कंपनी पे। तो मैंने ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी, 5 कॉर्पोरेट एक्शन शेयर्स कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए डिटेल में आपको बेसिक आपको सारी बातें बताई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो हमेशा सर्च करते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक जो बहुत बढ़िया डिविडेंड अब तक देते हैं, बोनस इशू वाले, बायबैक वाले, लेकिन वो इन टर्म्स से थोड़ा सा अवेयर नहीं रहते। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको मतलब एक छोटे से वीडियो में शेयर करी। जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिए इन 5 कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, उन कमेंट का मैं जवाब देते रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखिए, चाहे आप कहीं पे कोई चीज़ पढ़ते हो अगर आपको अच्छी लगती है वो बाकी लोगों के काम आ सकती है तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंडिया की पब्लिक को जितना ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल वाले वर्ल्ड वाले फाइनेंशियल लाइन वालों को तो पता होता है, लेकिन बाकी पब्लिक, इंडिया में बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो फाइनेंशियल नॉलेज से अवेयर नहीं है, तो सबको अवेयर कीजिए। साथ लेके चलना ही एक बहुत बढ़िया बात है कंट्री के लिए भी और फाइनेंशियल इकोनॉमी के लिए भी इंडिया की, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।